यूपी का मुरादाबाद जिला, यहाँ पर एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित करके मोर्चरी में रखवा दिया। व्यक्ति को भोर में 4 बजे के करीब मोर्चरी में रखा गया था, लेकिन सुबह 11 बजे देखा गया तो उनकी सांसें चल रही थी। इसके बाद फौरन वार्ड में शिफ्ट किया गया, उनका इलाज शुरू हुआ। हालत गंभीर होने पर मेरठ के मेडिकल कॉलेज में उन्हें रेफर कर दिया गया। व्यक्ति जिंदा है और उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति का नाम श्रीकेश है, वह नगर निगम में कर्मचारी है। गुरुवार 18 नवंबर को दूध लेने के लिए देर रात वो घर से निकले, तभी सड़क पार करते समय श्रीकेश के साथ हादसा हो गया। उन्हें इलाज के लिए 3 अलग अलग निजी अस्पतालों में ले जाया गया। अंत में डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिर परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए देर रात ही जिला अस्पताल लेकर आए। यहाँ इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर मनोज ने श्रीकेश का चेकअप करके उन्हें मृत घोषित कर दिया और शव को मोर्चरी में भिजवा दिया। शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह 11 बजे जिला अस्पताल की मोर्चरी में हो हल्ला तब मच गया जब पुलिस शव का पंचनामा करने की तैयारी कर रही थी। तब पता चला कि मृत घोषित किए गए श्रीकेश की सांसें चल रही हैं। इस बात की जानकारी फौरन परिजनों ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों को दी। फिर सूचना पर मोर्चरी में पहुंचे डॉक्टर्स ने चेकअप किया और जीवित होने की पुष्टि की। इसके बाद फौरन इलाज शुरू किया गया। परिजनों का क्या कहना है। श्रीकेश के जीजा ने बताया कि उनके साले मुरादाबाद नगर निगम में तैनात हैं। उनकी पत्नी एक डेंटल अस्पताल में नौकरी करती हैं। कोई बच्चे नहीं हैं। हादसे की सूचना के बाद उनकी पत्नी ही इलाज के लिए अस्पताल लेकर उन्हें पहुंची। वहां इनका सीटी स्कैन हुआ। उन्होंने आगे बताया, हॉस्पिटल खुला नया वहाँ लेकर तब तक हम आ गए। जब हम वहाँ आए वहाँ देखा हालत खराब था, बोलने का मतलब ही नहीं था, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन लगी पड़ी थी सारी। वो बोले भाई हमारी बस की सीट नहीं है, तुम जो है साइन आओ। हमने सोचा मगर चलो एम्बुलेंस बुलवाओ। गाड़ी हम पर थी लेकिन ऑक्सीजन लगनी थी, तो हमने गाड़ी में एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस आ गई, ऑक्सीजन लग के हम साइन आ गए। साइन वालों ने जो देखा, साइन वाले बोले भाई वेंटिलेटर क्या हो सकता है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। मगर चलो साहब वेंटिलेटर नहीं है तो हम फिर बोले वो कॉस्मोस ले आओ। हमने सोचा कॉस्मोस जा रहा थोड़ा विवेकानंद में, हमारा अपना सिस्टम भी था, हम विवेकानंद ले गए। विवेकानंद में एमरजेंसी में तो कई डॉक्टर थे, उन्होंने जो देखा तो उन्होंने एकदम मशीनें लगाई, सब कुछ मामला करा। वो आध घंटे तक प्रक्रिया चलती रही। चलने के बाद में इससे बोले देखो एक्सीडेंट, देखो खून जम गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, और ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, और ऐसा हो गया। और इस बात को उन्होंने बोले खत्म हो गया। आज 1.5 घंटे के बाद वहाँ विवेकानंद वालों ने फिर लेकर आए हम, मतलब अब हाँ उन्होंने मना कर दिया तो बोले घर ले जाओ। मैं कभी ये सरकारी आदमी है, हम घर नहीं ले जाएंगे। तो बोले क्या करोगे, मैं हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तो बोले पोस्टमार्टम कराओ तो सिविल लाइन ले जाओ। इस मामले में जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर शिव सिंह ने बताया, जी वो गंभीर अवस्था में शायद आया गया, लाया गया था, लिखा गया जी, और वो जो है मार्चरी में इसको रखवा दिया गया। बहुत रेयर बीमारियां होती हैं जिसमें कभी कभी जो है डिक्लेरेशन में दिक्कत आती है, और उसमें जो है डिक्लेरेशन में जो है कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक बीमार वो है सस्पेंडेड एनिमेशन होता है, जिसमें जो है सीवियर क्लोज हेड इंजरी हो, प्री इंट्यूबेशन एनेस्थेटिक कुछ मेडिसिन दी गई हो, और सीवियर कोल्ड हो, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ऐसे कभी कभी बहुत ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर वो चीज कंडीशन होती है जिसमें ये ऐसा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, और ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारी साथी उमा ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।